का निरीक्षण करें और देखें कि सब सूचित रूप से चले। परिसीमित स्थान प्रवेश निरीक्षक देखें कि अनुमति पत्र पूरा भरा है और सारे परीक्षण और प्रक्रियाएं की गई हैं तथा सारे उपकरण उपलब्ध हैं। प्रवेश निरीक्षक बाद की परीक्षण भी करता है और देखता है कि बचाव उपकरण वापस मिल गया है। प्रवेश निरीक्षक का कर्तव्य यह होता है कि बिना अनुमति प्राप्त व्यक्ति को परिसीमित स्थान क्षेत्र से दूर रखे। कोई भी परिसीमित स्थान प्रवेश तब तक शुरू नहीं किया जा सकता जब तक प्रवेश निरीक्षक यह सुनिश्चित न कर ले कि सारी चीजें तैयार हैं और अनुमति पत्र पर दस्तखत हो चुके हैं। निरीक्षक को कार्य हो जाने पर या समस्या नजर आने पर अनुमति रद्द करने का अधिकार है। यदि प्रवेश निरीक्षक को परिसीमित स्थान में किसी खतरे का अनुमान है तो प्रवेश तब तक न हो जब तक उस खतरे को काबू में न कर लिया जाए। पनडुब्बी के ऑपरेशन की तरह ही इसमें भी सुरक्षा प्रक्रिया और नियंत्रण के अनेक स्टार हैं, जिससे कि कार्य भली भांति हो सके, लेकिन कभी असंभावित घटना होने पर दल को अपने स्थान पर वापस बुला लिया जाता है, तब परिश्रण और योजना दूसरी जांच की ओर बढ़ जाती है। कोई एक बड़ी असफलता के कारण दल के सारे सदस्यों की मौत भी हो सकती है। परिसीमित स्थान के बचाव सेवा दल का परिश्रम और तैयारी भी ऐसी ही होती है। आपको लग सकता है कि आपको इस दल की जरूरत नहीं है, लेकिन ये परिसीमित स्थान के लक्षण, वहां के खतरे और बचाव कार्य के समस्याएं ज्यादा जानते हैं। बचाव दल को परिसीमित स्थान के विशेष खतरे, प्रथम उपचार और CPR का परीक्षण मिलता है। उन्हें बचाव कार्य के लिए जहां भी बुलाया जाता है वहां वे लगातार अभ्यास करते हैं। जिस तरह परिसीमित स्थान के दल के लिए यह जानना जरूरी है कि वे कहां कार्य करने वाले हैं, उसी तरह ठेकेदारी को भी ये कार्य और अनुमति प्राप्त कार्य स्थल की जानकारी होनी चाहिए। कार्य शुरू करने से पहले ठेकेदार और मालिक के बीच परिसीमित स्थान और उसके खतरे, सावधानियां और कर्मचारियों की सुरक्षा के प्रबंध पर बातचीत कर लेनी चाहिए। परिसीमित स्थान में सभी की सुरक्षा के लिए साथ मिलकर आपसी तालमेल से कार्य होना चाहिए। कार्य पूर्ण हो जाने पर ठेकेदारी के स्थान प्रतिनिधि के साथ बातचीत हो जानी चाहिए, जिसमें ठेकेदार के सुरक्षण प्रयास, नई या बदली हुई परिस्थिति, देख या खोजे गए खतरों का ब्यौरा हो। सूचना के आदान प्रदान से परिसीमित स्थान में कार्य करने वाले कर्मचारी या ठेकेदार कर्मचारी के वातावरण और भविष्य के खतरे दूर किए जा सकते हैं। सुरक्षा का एक और उपाय यह हो सकता है कि आप निरीक्षक से बातचीत करके ये अपनी कंपनी के परिसीमित स्थान के कर्मचारियों से मूल्यांकन करवाकर जानकारी हासिल कर सकते हैं। पोत के अधिकारी परिदर्शक की गहराई तक आगे बढ़े। जहाज परिदर्शक की गहराई तक है, कोई भी नजदीकी दृश्य संपर्क में नहीं। बहुत अच्छे, जा सतह पर ले। सारे दोते हैं, आगे बटे मुख्य निरीक्षक गुजर जाएं। सतह सतह सतह, डाइविंग अलार्म 3 बार बजाएं। इस कार्यक्रम में हमने परिसीमित स्थान के खतरे और वहां कार्य करने के लिए अनुमति के विषय में जानकारी ली। दल के सारे सदस्यों को खतरे का पता होना चाहिए और अनुमति पत्र में दी गई जानकारी पनमूल्यकरण करना चाहिए। हर एक को सुरक्षा उपकरण का ज्ञान होना चाहिए और वे उसका इस्तेमाल करें। सभी को आफत के संकेत और ऐसे में क्या करना चाहिए उसका पता हो। जी हाँ, बंद जगहों पर काम करना पनडुब्बी में काम करने की तरह नहीं है। जब दल का हर सदस्य तैयार है तो कार्य आसान हो जाता है, सिर्फ किस्मत से नहीं बल्कि परिश्रम, ज्ञान, बुद्धि और विश्वास से। यह निश्चित कर लें कि दल के सारे सदस्य सुरक्षित हैं और अपने घर खुशी से लौटें।